किसानों के मसीहा और जन जन के नेता के रूप में विख्यात स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा की आज पुण्यतिथि है। आज प्रदेश भर में कई जगहों पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पेश है रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत के पुरोधा के रूप में नाथुराम मिर्धा को माना जाता है। उन्हें प्यार से लोग बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। वो वाकई में जन नेता थे। जब वो चलते थे तो जनता का सैलाब उनके साथ चलता था। पार्टी कोई भी हो, लेकिन जनता के दम पर चुनाव में जीत हासिल करना उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब नाथुराम मिर्धा ने 1977 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस विरोधी लहर में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। 1980 में कांग्रेस के विभाजन में वो इंदिरा गांधी की विरोधी कांग्रेस में चले गए और इस पार्टी के टिकट पर नागौर से सांसद भी चुने गए। इससे पहले 1952 के पहले चुनाव में नाथुराम मिर्धा जीतकर राज्य सरकार में मंत्री बने। आपातकाल के बाद जनता लहर की आंधी में राजस्थान में एकमात्र नागौर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता नाथुराम मिर्धा ने जीवन का आखिरी चुनाव अस्पताल की शैया से लड़ा था। दरअसल 11वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान नाथुराम मिर्धा दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती थे। बतौर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी मिर्धा को चुनाव लड़वाया गया। चुनाव जीतने के बाद 74 साल की उम्र में नाथुराम मिर्धा का 30 अगस्त 1996 को निधन हो गया। नाथुराम मिर्धा का राजनीतिक सफर। नाथुराम मिर्धा का जन्म 20 अक्टूबर 1921 को नागौर जिले के कुचेरा कस्बे में हुआ। उनके पिता का नाम थानाराम मिर्धा था, जो तत्कालीन स्टेट में कर्मचारी थे। मिर्धा ने जोधपुर के दरबार स्कूल से 10वीं फर्स्ट डिवीजन से पास की। उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, जबकि 1944 में वकालत की डिग्री हासिल की। 1946 में उन्होंने वकालत शुरू की। 1947 में देश आजाद हुआ और वो जोधपुर में किसान सभा में शामिल हुए। 1952 से लेकर 1967 तक के आम चुनाव में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हुए थे। चौथी लोकसभा का कार्यकाल 1967 से 1972 तक था। इस दौरान 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग की गई। 1971 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। नाथुराम मिर्धा ने पहली बार 5वीं लोकसभा के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के नंद कुमार को पराजित किया। संयोगवश 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1976 में समाप्त होना था। जून 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद संविधान संशोधन करके लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई और जनवरी 1977 में 6वीं लोकसभा के चुनाव में नाथुराम मिर्धा ने केवल नागौर सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखा। 1996 में अपने जीवन काल के अंत तक वो सांसद रहे। नाथुराम ने जीवन भर किसान, दलित और अंतिम व्यक्ति के हित की बात की। ऐसे में आज भी वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।